सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। हमारे देश में माँ को भगवान का दर्जा दिया जाता है। अगर भगवान के बाद किसी की बात की जाती है तो वो है माँ। आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी, पूत कपूत सुने हैं पर माता ना सुनी को माता। जी हाँ, ऐसा हुआ है सुल्तानपुर में। आइए दिखाते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। मासूम बच्चे को उतारा मौत के घाट, पति ने मुंबई ले जाने से किया था मना। माता बनी कुमाता की कहावत हुई सार्थक। सगी माँ ने ही बच्चे की रोकी सांसें। सुल्तानपुर में एक माँ ने अपने मासूम बच्चे को इसलिए मार दिया कि उसका पति उसे मुंबई नहीं ले गया। इस माँ को मुंबई शहर की ऐसी हवा लगी थी कि माँ ने अपने मासूम बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। औरत को मैं समझाया, मैं कहा अभी उतना परेशानी है, मैं साला मेरा 10 तारीख अगले महीना मुंबई जाने वाला था। मैं कहा मैं आगे जा रहा हूँ, कल मैं जाता। मैं कहा 20 दिन मेरे को टाइम मिलता, मैं कहा 20 दिन में मैं रूम का इंतजाम कर देता, साले के साथ आ जाना। उसी चक्कर में इसका मन। ये मामला चांदा कोतवाली क्षेत्र के फर्मापुर गांव का है, जहां पर हत्यारी माँ ने अपनी ही औलाद को मार कर ऐसा उदाहरण पेश किया है जिसे देख कर आपकी रूह कांप जाएगी। दरअसल आरोपी माँ का पति रोहित शर्मा मुंबई में रोजी रोटी कमाने जा रहा था। कुछ आर्थिक परेशानी होने की वजह से रोहित ने अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाने से मना कर दिया था। वहीं पर रोहित ने अपनी पत्नी से कहा कि उसे अपने साले यानी कि पत्नी के भाई के साथ मुंबई बुला लेगा, लेकिन रोहित की पत्नी को ये बात नागवार ठहरी, क्योंकि इस कलयुगी माँ को अपने पति के साथ ही मुंबई जाना था। इस कलयुगी माँ ने अपनी शहर जाने की जिद में परिवार के लाडले की जान ले। मृतक बच्चे का नाम शिवम बताया जा रहा है, जो कि महज 1 साल का मासूम था, जिसे उसकी माँ ने ही मौत के घाट उतार दिया। बच्चे के पिता रोहित ने बताया कि वो मुंबई में रहकर रोजी रोटी कमाते हैं। 4 जुलाई के रोज मुंबई से पत्नी और मासूम शिवम को लेकर घर लौटे थे। उसके बाद रोहित को काम के सिलसिले में मुंबई जाना था। उन्होंने पत्नी से मुंबई जाने की बात कही तो पत्नी से रोहित का मामूली विवाद हो गया। रोहित ने पत्नी से अगले ही महीने भाई के साथ वापस मुंबई बुलाने की बात कही थी, लेकिन पत्नी ने रोहित की बात नहीं मानी और मासूम शिवम की जान ले ली। औरत को मैं समझाया, मैं कहा अभी उतना परेशानी है, मैं साला मेरा 10 तारीख अगले महीना मुंबई जाने वाला था। मैं कहा मैं आगे जा रहा हूँ, कल मैं जाता। मैं कहा 20 दिन मेरे को टाइम मिलता, मैं कहा 20 दिन में मैं रूम का इंतजाम कर देता, साले के साथ आ जाना। उसी चक्कर में इसका मन। जो हुआ उसकी किसी ने रत्ती भर भी उम्मीद नहीं की थी। रोहित ने बताया कि रात में उसकी पत्नी उसके मौजूदगी में मासूम शिवम का मुंह दबाने की कोशिश कर रही थी, जिसकी आहट मिलने पर रोहित की आंखें खुल गई और रोहित बच्चे को लेकर बाहर चला गया। वहीं दूसरे दिन रोहित को मुंबई जाने के लिए ट्रेन पकड़नी थी और उसके लिए उसको प्रयागराज जाना था, क्योंकि प्रयागराज से ही मुंबई जाने की ट्रेन रोहित को पकड़नी थी। लड़का लेके घर में सोया था, हाथ से उसका मुंह दबा रही थी। उसके बाद मैं घर में से बाहर आया, औरत में खुशबू शर्मा। उसके बाद मैं बाहर आया, बाहर आने के बाद 10 बजे इसका मुंह दबा के मार दिया। अगली सुबह रोहित जैसे ही घर से बाहर निकला तो पत्नी खुशबू ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। रोहित ने बताया कि आरोपी माँ किसी को भी अपना बच्चा छूने नहीं देती थी, लेकिन जब बच्चा कुछ देर के लिए घर से बाहर नहीं निकला तो परिजनों को शक हुआ और आरोपी माँ से पूछा, लेकिन माँ खुशबू ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया, जिसके बाद परिजनों ने खुशबू के मायके में फोन कर जानकारी दी।
उसके बाद खुशबू का भाई जब बहन के ससुराल पहुंचा तो उस वक्त का जो मंजर था उसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। भाई ने जब सख्त रवैया अपनाते हुए आरोपी माँ से पूछा तो आरोपी माँ ने बताया कि उसने मासूम शिवम को मौत के घाट उतार दिया है और उसे अपने कमरे में सुला रखा है। रात में फोन किया था मैं अपने साले को, तो उसके बाद दिन में फोन किया, वो सब 2 बजे आए थे और दिन में 10 बजे लड़का ख़त्म हो गया था। तो घर वाले को किसी की वो लड़का अपना देता नहीं था और बाहर गांव वाले थे, लड़की लोग आए थी, बोली कि लड़का दिखाओ, लड़का दिखाई। जब मेरे साले लोग आए 2 बजे तब वही दरवाज़ा खोले तो औरत मेरी क्या बोल रही है कि साला बोला कि भैया को दिखाओ। औरत मेरी बोली कि भैया को मार के लिटाए बाद तब पता लगा मेरे घर वाले। जिसके बाद भाइयों ने ही परिजनों को इस घटना की जानकारी दी। वहां मौजूद परिजनों ने पुलिस को इस वारदात की खबर देते हुए आरोपी मां के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस वारदात से मासूम शिवम का पूरा परिवार सहमा हुआ है। इस कड़ी में बस इतना ही। आगे हम आपको अपराध की जगत से जुड़ी हुई प्रदेश की ऐसी तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल प्राइम टीवी। अभी तक आप देख रहे थे जियो टीवी, एमएक्स प्लेयर के साथ साथ कई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर, और अब ये आ गया है नेटविजन के चैनल नंबर 241 पर। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। सियासत या हो व्यापार, सिनेमा से लेकर गांव गली चौबारे, आपके हक की बात सिर्फ हमारे साथ। सत्ता के मद में अगर डूबी हो सरकार, संसद की हलचल से लेकर गांव की हालत तक की बात सबसे पहले प्राइम टीवी पर, क्योंकि हम है सच साहस और सरोकार। डांस भी होगा, मस्ती भी होगी, लगेगा हंसी का जबरदस्त ठहाका, आधे घंटे का होगा भरपूर मनोरंजन, जब आप देखेंगे मजेदार वीडियोस। वायरल स्टेशन सिर्फ प्राइम टीवी पर। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, एक्टर से लेकर सिंगर तक, फिल्म जगत की हर चटपटी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। पहले पर्दे की अंदरूनी बातों पर होगी गॉसिप। देखिए बॉलीवुड मसाला सिर्फ प्राइम टीवी पर। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर व्यापार तक, ऐसी खबरें जिन पर है हमारी पैनी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखे हमारे खास कार्यक्रम प्राइम शतक के साथ। 4 बजे करेंगे 4 बड़ी खबर पर बात, पहुंचाएंगे सरकार तक जनता की आवाज, जानेंगे संवाददाता से खबर की जानकारी, सरकार भी लेगी खबर की सुध सारी। दिन भर की 4 बड़ी खबर पर रहेगी हमारी नजर। 4 बजे की 4 बड़ी खबर देखिए 4 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। अस्थमा हो या फिर अर्थराइटिस, डायबिटीज हो या कोई और डिसऑर्डर, आपको मिलेगी सेहत से जुड़ी हर जानकारी, एक्सपर्ट देंगे अपनी राय। हेल्थ मंत्रा शनिवार और रविवार शाम 6 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दाव पे, अफसर शाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी, सांसद से लेकर विधायक तक, IAS से लेकर IPS तक सबसे होगी बात। शख्सियत शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर।
राजनीति से जुड़ी हर एक खबर पर होगी हमारी नजर। ना कोई शोर शराबा, ना कोई एजेंडा, जिम्मेदारों से करते हैं।